सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर के रहाटे कॉलोनी परिसर में सड़क पर चलते ट्रक को लगी आग। पिछले दिनों कार्टून रोड पर चलती आपली बस में आग लग गई, पूरी बस जलकर खाक हो गई। बिल्कुल उसी तरह की घटना बुधवार की दोपहर रहाटे कॉलोनी परिसर में हुई। एक चलते ट्रक में आग लग गई, लेकिन चालक को भनक तक नहीं लगी। नागरिकों ने उसे इंजन से धुआं निकलने की जानकारी दी तो ट्रक के केबिन से नीचे उतरा और आग की लपटों ने पूरे ट्रक को घेर लिया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। संजय भूसानी नामक ट्रक चालक संतरा मार्केट के एक संस्थान को GI पाइप पहुंचाकर वापस MIDC जा रहा था। शहीद गोवारी फ्लाईओवर से नीचे उतरकर वो कॉलोनी पहुंच रहा था कि केबिन के नीचे से धुआं निकलने लगा। पहले लोगों को लगा कि ट्रक का साइलेंसर धुआं फेंक रहा है, लेकिन केबिन के नीचे आग की लपटें दिखाई दी। लोगों ने संजय को जानकारी दी। संजय ट्रक के नीचे उतर गया और इसी दौरान आग की लपटें बढ़ने लगी। एक व्यक्ति ने अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी। दमकल विभाग की दो गाड़ियां दल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया था। ट्रक में आग के चलते यातायात प्रभावित हो गया। वैसे भी कॉलोनी में वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। दमकल विभाग ने कुछ मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया। समय रहते लोगों ने संजय को जानकारी नहीं दी होती तो उसकी भी जान जा सकती थी। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।